सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में पछतावा करना छोड़िए, कुछ ऐसा करिए कि आपको छोड़ देने वाले पछताएं। लोगों से उम्मीदें इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े कर दो फिर भी कीमत कम नहीं होती। दर्द सबसे ज्यादा हमें तब होता है ए जिंदगी, जब हम अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते। आज का पंचांग 14 सितंबर 2021 दिन मंगलवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 1:09 तक रहेगी। इसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र सुबह 7:05 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:25 से 4:56 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर सुबह 7:05 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 14 सितंबर 2021 दिन मंगलवार, कोई नुकसान और दुर्घटना आपको परेशान कर सकती है। सौभाग्य आपके साथ होगा, बस अपने आकर्षण और अच्छी भावना को सो करें। अंकल या भाई आपके लिए तनाव का कारण रहेंगे। रिश्तों में खासकर अपने करीबी लोगों से मतभेद को दूर करने के लिए समय निकालें। अपने प्रियजनों के प्रति अपनी भावनाओं और कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए आज का दिन उपयुक्त है। उन्हें बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, उनके प्यार को भी महसूस करें। जीवन में कुछ पाना हो तो अपने तरीके बदलें, लक्ष्य को नहीं। आज आप किसी बड़े सम्मेलन या सेमिनार की मेजबानी कर सकते हैं, लेकिन आपके मनचाहे समय पर स्थान की उपलब्धता के कारण हुई हल्की सी गलतफहमी से आपको शर्मिंदगी महसूस होगी और आपको कार्यक्रम रद्द करना पड़ सकता है। आपको ऐसे समय में शांति बनाए रखनी होगी और सकारात्मक कोशिशें करते रहनी होगी। संतान की तरह से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने से मन में सुकून रहेगा। आप अपना ध्यान अपने व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित कर पाएंगे। किसी समाज सेवी संस्था में भी आपका सहयोगात्मक योगदान रहेगा। अपनी इच्छा शक्ति और विश्वास के जरिए ही आप हाथ में लिए हुए काम को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। आपके विश्वास में उतार चढ़ाव आपको महसूस होगा, लेकिन आप अपने प्रयत्नों में सतर्कता बनाकर रखेंगे। फिलहाल आपके अंदर अकेलेपन की भावना उत्पन्न हो सकती है, लेकिन दिल और दिमाग में संतुलन बनाए रखकर आप ध्यान को भटकने नहीं देंगे। आपके करियर में बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसलिए अपने विचारों को थोड़ा अवलोकन करने की आवश्यकता होगी। परिवार से संबंधित निर्णय लेते समय पार्टनर में मतभेद उत्पन्न भी होंगे। किडनी और यूरिन से संबंधित तकलीफ उत्पन्न हो सकती है, जिसका निदान करने में देर लगेगी। भावनाओं में बहकर निर्णय न लें, अपने कार्यों की प्राथमिकता तय कर लें। नाक कान गले की समस्या भी रह सकती है। करियर के मामले में झटका लग सकता है। बॉस के नाराजगी के शिकार हो सकते हैं। अपने आवेश पर काबू रखें। फार्मासिस्टों के लिए समय लाभ का रह सकता है। पुरानी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए। हड्डी का दर्द परेशान भी कर सकता है। सावधानियां, अभी धन के लाभ की अपेक्षा व्यय की समस्याएं ज्यादा बन रही है, इसलिए अपनी बजट को भी ध्यान में रखकर चलना आवश्यक है। भाइयों की किस बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। मामलों को गुस्से और वाद विवाद की अपेक्षा शांति से निपटाने की कोशिश करें। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी की सलाह आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी और आप अपने कार्यों को और अधिक से चारों ओर से क्रियान्वित कर पाएंगी। विवाहित संबंधों से दूर रहें। आपके आकर्षण और रिश्ते से कोई भी नहीं बच सकता। यही कारण है कि
अपने जानने वालों से आप बेहद लोकप्रिय हैं। रिश्तों को फ्रेश रखने के लिए छेड़खानी और हंसी मजाक करना ना भूलें। अचानक आई घरेलू मुसीबतें आज आपको व्यस्त रखेगी। आज आपके लिए एक भावनात्मक दिन है और आप अपने प्रियजनों के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, जिससे आप स्वयं को उनके करीब महसूस करेंगे। थोड़ा समय अपने साथी के साथ भी बिताएं और अपने प्यार की गर्मी का उन्हें एहसास करवाएं। बिना ज्यादा सोचे समझे अपनी भावनाओं को ऐसे ही बहने दें। इस समय यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंध को निष्पक्ष होकर जांचें। क्या आप इसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं? इस समय आपको अपने पार्टनर की बजाय अपनी भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए और उस उलझन को दूर कर लेना चाहिए जो आपको सामान्य रूप से कई बार महसूस होती है। अब आपको फैसला कर लेना चाहिए कि आप अपने संबंध को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। बात करते हैं करियर की। आज आप अपने नौकरी से संबंधित अच्छी खबर प्राप्त कर सकते हैं। यह एक पदोन्नति, वेतन वृद्धि, एक नई जिम्मेदारी, एक नया इच्छित स्थान, एक अलग कंपनी से नौकरी या प्रस्ताव का परिवर्तन हो सकता है। आप कम समय में अपने आप को तैयार रखें। यह टेलीफोन पर या संदेश के माध्यम से भी किया जा सकता है। अपने सक्रिय रुख के बारे में अपने नए नियोक्ता या सहकर्मी को अवगत कराइए। नई भूमिका की मांग के अनुरूप मानसिक रूप से तैयार रहें। यह समय परिवार को समर्पित है, न कि दोस्त या अन्य रिश्तों को, इसीलिए इनका पूरा मजा लें। आय को बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग का सहारा भी ले सकते हैं। अचानक आई घरेलू मुसीबत आज आप पूरी जान लगाकर सामना करेंगे। चिल्ले चपाटे या चापलूसों से दूर ही रहें। उन लोगों को धन्यवाद कहना ना भूलें जिन्होंने आपकी मदद की है। अपने आसपास के लोगों के स्नेह और प्यार का आनंद लें। अपने प्रियजनों की मदद से आज आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। वर्तमान व्यवसाय में जो काम चल रहे हैं इसमें कुछ नई उपलब्धियां भी प्राप्त होगी। इन पर बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है क्योंकि निकट भविष्य में बहुत ही लाभदायक स्थितियां प्राप्त होगी। कमीशन संबंधित व्यवसाय में थोड़ा सावधानी भी बरतें। बात करते हैं सेहत की। थकान की वजह से पैरों में दर्द व अपचय जैसी शिकायत महसूस हो सकती है। लापरवाही न करके तुरंत दवाई लें। आपकी सेहत आज बहुत अच्छी है और इसे अच्छे बनाए रखने के लिए आपको हर रोज सुबह हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने की आदत डालनी होगी। आज इसकी तरफ पहला कदम उठाने के लिए बहुत अच्छा दिन है। आप शाम तक दांत में दर्द महसूस कर सकते हैं। अपनी अच्छी सेहत को बनाए रखने के लिए आपको अपने खाने का पैटर्न तुरंत ही बदलना होगा। आज का उपाय, आज हनुमान भगवान जी को नारियल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।